जो भी और प्रतिभागी जुड़ेंगे, बीच बीच में जुड़ते रहेंगे जैसे भी उनकी सुविधा होगी। तो आज की इस परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और आज की ये परिचर्चा बहुत विशेष है, क्योंकि आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने भारतवर्ष के चेतना को बहुत अधिक प्रभावित किया है। और वो चेतना ने कोई पक्ष ऐसा नहीं छोड़ा है भारत के। उसका प्रभाव हमें ना दिखाई दिया, वो हमारे आचार और व्यवहार की बातें। तो ऐसे श्रीमद् भगवत शंकराचार्य के जयंती के अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, और उनके ही व्यक्तित्व को समझने के लिए, जानने के लिए आज का ये कार्यक्रम। इतने सारे डिपार्टमेंट्स और इतने सारे कॉलेजेस जिसको आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, उन सब के संयुक्त प्रयास ये आयोजित किया जा रहा है। और इसमें विशेष प्रसन्नता की बात यह है कि हमारे साथ इस बार काशी से, सिगरा काशी में से मुकुलारण्यम महाविद्यालय के जो हमारे बंधु हैं, अध्यापक हैं, वो जुड़े हैं पहली बार। वो इस तरह की परिचर्चा में उन्होंने उत्सुकता दिखाई है और अपना सहयोग उन्होंने दिया है। मैं विशेष रूप से उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा, विशेष रूप से डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा जी को, जो कि इस परिचर्चा के को कन्वीनर हैं और संस्कृत के अध्यापक हैं मुकुलारण्य महाविद्यालय सिगरा काशी से। उनके प्राचार्य महोदय डॉक्टर आशीष पांडे, जो उस महाविद्यालय के प्राचार्य हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपनी अनुमति और सहमति हमें दी है इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए अपनी संस्था की ओर। और उसके साथ ही उनके संस्था के जो निदेशक महोदय हैं प्रोफेसर शंभू उपाध्याय, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और बाकी शेष हमारे साथ जो भी जुड़े हुए विभिन्न महाविद्यालयों के साथी हैं, जो हमेशा निरंतर इस परिचर्चा में भाग लेते रहे हैं, विभिन्न प्रकार के आयोजनों में हमारा सहयोग करते रहे हैं, तो उनका तो स्वागत है ही। और हमारे साथ प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद मिश्रा जी जयपुर से, जो कि दर्शन विभाग से उन्होंने अभी जो है वो सेवानिवृत्ति ली है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका सहयोग और दिशा निर्देश हमें हमेशा मिलता रहा है। उसके साथ साथ प्रोफेसर सरोज कौशल जी, जो जोधपुर यूनिवर्सिटी में संस्कृत के अध्यक्ष हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। तो सीधे सीधे अब विषय की ओर अग्रसर होते हैं, क्योंकि हमारे मुख्य वक्ता भी जुड़े हुए हैं और समय का भी हमें थोड़ा सावधानी रखनी होती है। इसलिए हम सीधे विषय की ओर आते हैं, और विषय आज का हमारा है कि 21वीं शताब्दी में श्रीमद् शंकराचार्य के उपजिज्ञास्य व्यक्तित्व की मीमांसा। अंग्रेजी में जिसे एनिग्मेटिक पर्सनैलिटी कहते हैं, संस्कृत में उसके लिए जो हमारे पास शब्द, सही शब्द जो है वो उपजिज्ञास्य शब्द उभर कर आया। हालांकि और भी कई शब्द थे, लेकिन वो कोई व्यक्तित्व के अनुकूल नहीं पड़ रहे थे, इसलिए हमने उपजिज्ञास्य शब्द को ही चुना। एनिग्मेटिक जो है वो कई तरह की विरोधाभासों को जो एक साथ लेकर के चल रहा होता है, और जिसके व्यक्तित्व को समझना हमारे लिए मुश्किल होता है कि ये सारे विरोधी गुण एक ही व्यक्ति में कैसे हो सकते हैं, ये अपने आप में हमारे लिए एक बड़ी ही रुचिकर और चुनौतीपूर्ण बात होती है। और जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि दो श्लोक मैंने उनके लिखे हुए हैं, जो लोग संस्कृत से सीधे सीधे नहीं हैं उनकी भी समझ के लिए ये आसान से उपाय, जो श्लोक हैं ये आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ, जिससे कि हमें बातचीत का समझने में हमारे लिए बहुत एक आसानी और सुविधा हो जाएगी। आचार्य
शंकर, एक तरफ तो विचार की पराकाष्ठा हमें उन्हें उनकी दिखाई देती है और दूसरी तरफ उनके सौंदर्य की पराकाष्ठा भी हमें देखने को मिलती है। आप ये जो श्लोक देख रहे हैं विचार की पराकाष्ठा में, सामान्य रूप से हम सभी लोग प्रातः काल में इसका गायन करते ही हैं। उसमें से एक श्लोक लिया है, तीन श्लोकों में से, प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुर आत्म तत्वम सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरीयम यद जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति मवैति नित्यम तद ब्रह्म निष्कलमहम न च भूत संघः। प्रातः काल में जिसे जो आपके हृदय में संस्फुरण होता है आत्म तत्व, जो सदा ही सच्चित सुख और परम हंस के रूप में तुरीयम गतिम तुरीय अवस्था में रहने वाला है, ऐसा जो यद जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति मवैति नित्यम, जो स्वप्न सुषुप्ति और इनसे भी परे चले जाता है, ऐसा जो वो तद ब्रह्म निष्कल है, निष्कल तद ब्रह्म है, वो मैं हूँ, न जो भूत संघ है, भूतों का संघ नहीं, पंच महाभूतों का संघ नहीं। ये विचार की पराकाष्ठा है कि आप बिल्कुल ही एक तरह से स्पष्ट रूप से प्रतिपादित कर देते हैं कि व्यक्ति क्या है। वो चेतन स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, आत्म स्वरूप है और वो पदार्थ स्वरूप नहीं है। ये व्यक्ति की जो है एक तरह से हमें पराकाष्ठा देखने को मिलती है कि व्यक्ति का वस्तुतः उसका स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद जो रूप आप जो भी जानते हैं समझते हैं उसके बारे में। लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ इतनी अति विचार की अति पे जाने के बाद दूसरी तरफ सौंदर्य का भी आप पक्ष देखिए। सौंदर्य के पक्ष में हमें उनका जो श्लोक दिखाई देता है, सौंदर्य लहरी का 51वां श्लोक सभी जानते हैं, बड़ा प्रसिद्ध है, शिवे श्रृंगार आर्द्रा तदितर जने कुत्सन परा। सारे के सारे भाव आप देखिए कि यहीं पर एक साथ एकत्रित होते हुए दिखाई देते हैं और कितने सुंदर तरीके से उन्होंने इस सारे भावों को यहाँ पे समायोजित समन्वित और गुंफित कर दिया है। शिवे श्रृंगार आर्द्रा तदितर जने कुत्सन परा, शिव के प्रति श्रृंगार की श्रृंगार से भीगी हुई दृष्टि है और उनसे जो भिन्न तदितर जने कुत्सन परा, उनसे जो भिन्न लोग हैं उनके प्रति कुत्सन कुत्सता की दृष्टि है। सरोषा गंगायाम, गंगा के प्रति सरोष का भाव है। गिरीश चरिते विस्मयवती, और गिरीश का जो शिव है उनका जो आचरण है, उनका जो चरित्र है, उसके प्रति बड़े वो विस्मय के भाव में रहती। हरा हिभ्यो सौभाग्य जयनी, और जो उत्पन्न होने वाले कमलों के हैं उनके सौभाग्य को भी चीख लेने वाली है। सखीशु स्मीरा, सखियों के प्रति स्मीर का भाव रखने वाली ऐसी जननी दृष्टि सकरुणा, ऐसी हे जननी तेरी दृष्टि मेरे प्रति सकरुणता से युक्त हो। आप देखिए कि आठ भावों को एक साथ समन्वित और गुंफित कर देने का अद्भुत अनुभव और दूसरी तरफ विचार का जो अनुभव है कि मैं न च भूत संघा, केवल मैं ब्रह्म रूप हूँ, ये अपने आप में एक एनिग्मेटिक पर्सनैलिटी का जो पृष्ठभूमि है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से वो प्रतिपादित करती है कि वस्तुतः उनका व्यक्तित्व है क्या। वो वेदांती हैं, तांत्रिक हैं, सौंदर्य शास्त्री हैं, सौंदर्य के सबसे अधिक अनुभव की सीमा पे पहुंचने वाले व्यक्ति हैं। इस बात को भी थोड़ा सा हम देख लें कि जब हम ऐसे महान व्यक्तित्व को जानना और समझना चाहते हैं तो उनके बारे में हमारी अपनी समझ क्या है, क्योंकि जब हम इस तरह का विचार विनिमय करने के लिए प्रस्तुत होते हैं और तत्पर होते हैं तो हम शंकराचार्य की भाषा से हम कितने परिचित हैं, कितना हम उसके बारे में जानते हैं, कर्म के बारे में, उनके स्वतंत्रता के बारे में, उनके धर्म पक्ष के बारे में, उनके संबंध पक्ष के बारे में, उनके विचार और भाव और ज्ञान पक्ष के बारे में हमारी कितनी समझ है। आप चाहें तो इसका मूल्यांकन करके भी देख सकते हैं 1 से 16 के स्केल के ऊपर कि आप कितना जानते हैं और उससे अधिक कितना आप जानना चाहते हैं। तो ये जो स्लाइड आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं वो केवल इतने मात्र के लिए है कि जितना हम जानते हैं क्या हम पूरा जानते हैं, अगर पूरा नहीं जानते तो जितना हम जानते हैं उससे आगे की बात करने के लिए हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं, उसी के लिए हमने आज के मुख्य वक्ता को आमंत्रित किया है। अब सामान्य रूप से आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे
एक सेकेंड, शायद स्क्रीन, ओके ओके स्क्रीन चेंज हो गई है, क्योंकि कंप्यूटर थोड़े स्लो हैं और इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आती है। सामान्य रूप से आप जब भी शंकराचार्य की बात करने लगते हैं तो यही कुछ एक शब्दावलियों में हम आचार्य शंकर की चेतना को समेटने की कोशिश करते हैं कि उनका द्वैत तत्व पे क्या है, ब्रह्म माया अज्ञान मन बुद्धि इंद्रियां दुख आत्मा और अपवाद विधि, ये ही सारी शब्दावली है और इसी में हम हमेशा उनको मानने का प्रयास करते रहे हैं। लेकिन क्या इतने मात्र से, इतनी शब्दावली से और इससे मिली जुली कुछ और शब्दावलियों के आधार पर क्या हम सचमुच आचार्य शंकर की चेतना को बांध सकते हैं, जिस चेतना ने सारे भारत को सांस्कृतिक दृष्टि से न एक सूत्र में ही पुरोया है बल्कि हर पक्ष से उसको प्रभावित भी किया है। एक बात मैं और आप लोगों के साथ और साझा करना चाहता हूँ और फिर मैं मुख्य वक्ता से आपका परिचय भी कराऊंगा और उसके बाद उनका जो वक्तव्य है वो आरंभ होगा। ऐसा जब हम आयोजन करते हैं तो इसका एक पक्ष और भी हमें समझ लेना चाहिए कि 21वीं शताब्दी को शब्द जब जोड़ा गया तो उसके पीछे भाव ये था कि आज के साथ अगर हम संस्कृत के शास्त्रों को, संस्कृत के व्यक्तित्वों को रेलेवेंट नहीं बनाएंगे और उसकी चुनौती नहीं देंगे, उसका विकल्प प्रस्तुत नहीं करते तो हम संस्कृत के साथ पूरा न्याय नहीं करते। शास्त्र ज्ञान होना पहली शर्त है, लेकिन शास्त्र ज्ञान के साथ साथ हमें वर्तमान है उसको भी तो देखना है, उसके साथ संगतता बिठाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो चार जो समस्याएं हैं उनसे जो है मैं परिभाषित करता रहा हूँ हमेशा 21वीं शताब्दी को। आप देख सकते हैं कि 21वीं शताब्दी में इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, नॉलेज कॉन्फ्लिक्ट, एक्शन कॉन्फ्लिक्ट और साथ ही साथ मिसयूज और ओवरयूज ऑफ जो लैंग्वेज है वो 21वीं शताब्दी की विशेषताएं हैं। इसके साथ साथ जो भी आप कहना चाहें कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, नॉलेज रेवोल्यूशन आदि आदि, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। लेकिन वस्तुतः जब आचार्य शंकर के इस आयोजन को हम करते हैं तो उसमें आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिए, एक तरफ तो आप बॉन्डेज टू फ्रीडम की ओर अग्रसर होते हैं और साथ ही साथ आप एक्स एक्सिस पे देखिए तो आप व्हाट टू डू विद योर फ्रीडम ये भी सीखते हैं। आचार्य शंकर से केवल आपने ये नहीं जानना कि आप माया से मुक्त होकर के ब्रह्म स्वरूप क्या होंगे, लेकिन ब्रह्म स्वरूप में आकर के आपने अपनी फ्रीडम के साथ करना क्या है, उसका आप परिणाम क्या होगा, ये भी जानना उतना ही आवश्यक है। दूसरा जो जानने का प्रयोजन होता है वो है कि हम कंपल्सिव चॉइसेस से मुक्त होकर के कॉन्शियस चॉइस जीवन में करना सीख सके। तीसरी बात है कि जो नेचुरल चेंजेस आ रही हैं उसको तो आप नहीं बदल सकते प्राकृतिक दृष्टि से, लेकिन उससे हम डायरेक्टेड चेंजेस कैसे ला सकते हैं ये भी हम सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, इसलिए ये इसका तीसरा प्रयोजन है। और चौथा जो प्रयोजन है कि हम अति बुद्धिवादिता से निकल करके इंटेलेक्चुअल ह्यूमन बीइंग होने की बजाय सेंसिबल ह्यूमन बीइंग जो एक प्रातिभ मनुष्य तो होता है उसकी ओर हम अग्रसर हो सकें। तो ये कुल मिलाकर के चार प्रयोजन हैं जिनके विषय में मैं कहना चाहता हूँ कि ये हमारे आज के प्रयोजन हैं। इन चीजों को हम आचार्य के व्यक्तित्व से, उनकी चेतना से ग्रहण करना चाहते हैं और साथ ही साथ इस बात को भी आप ये तीन जो एरोज हैं ये देख पा रहे हैं कि जो कि मैं शुरू में ही आपको थोड़ा सा हिंट कराया हूँ कि आचार्य शंकर के तीन पक्ष हैं, क्योंकि उनका व्यक्तित्व इतना विशाल है कि हम एक साथ अपनी छोटी बुद्धियों से उनके सारे व्यक्तित्व को नहीं समेट सकते ना देख सकते हैं। तो एक उनका है पार्थिव पक्ष। पार्थिव पक्ष का मतलब ये है कि उन्होंने सामान्य जनजीवन को किस तरह से प्रभावित किया है और उनकी जो शब्दावली है वो किस तरह से हमारे घरों में लेकर के, किचन से लेकर के हमारे व्यापार तक वो उसके बीच में सम्मिलित होती चली गई और उसने हमें परिभाषित। दूसरा पक्ष ये है शाश्वत पक्ष। शाश्वत पक्ष का मतलब है कि शंकर में सारे के। तीसरा जो पक्ष है जिसको हमें जानना चाहिए वो है चिन्मय पक्ष। चिन्मय पक्ष का मतलब ये है कि उन्होंने कौन से मूल्यों को स्थापित किया है
वो सौंदर्यपूरक मूल्य जिनके आधार पर हम आज अपने आप को भारतीय होने के ऊपर हम गौरवान्वित अनुभव करते हैं। तो इन तीन पक्षों से मेरा निवेदन रहेगा आज के मुख्य वक्ता से कि वो इन तीन पक्षों को आज अपने वक्तव्य में जो लगभग 40-45 मिनट का रहेगा उसमें वो समेटने का प्रयास करें। तो आज के मुख्य वक्ता से आपका मैं परिचय कराना चाहूंगा कि हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर रमाकांत आंगिरस जी हैं, जो फॉर्मर प्रोफेसर ऑफ कालिदास चेयर और चेयरमैन रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में। इसके साथ साथ तो उनकी अनेक उपलब्धियां हैं, पुस्तकें प्रकाशित हैं, कई PhDs करवाई हैं और देश विदेश में कई उनके भ्रमण भी रहे हैं और उन्होंने कई जगह अपने वक्तव्य प्रस्तुत किए हैं और बहुत शीघ्र ही उनकी एक पुस्तक अभी प्रकाशित होने वाली है। इच्छा तो थी कि हम जल्दी से उसका विमोचन कर पाते लेकिन कुछ अपरिहार्य कारणों से उसमें थोड़ा डिले हो गया है। मुझे लगता है कि अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते में उस पुस्तक का हम विमोचन कर पाएंगे। लगभग 40-45 मिनट का उनका वक्तव्य रहेगा, उसके बाद ये ओपन हाउस डिस्कशन रहेगा जैसी हम लोगों की परंपरा है, हम लोगों का अभ्यास है। आप अपने सवाल जवाब, अपनी असहमति, अपने प्रश्न, जिज्ञासाएं जो भी चाहें उसमें लगभग आधा घंटा रहेगा, उसको आप शेयर कर सकते हैं और उसके बाद अंत में जो है वो वोट ऑफ थैंक्स के साथ हम इस कार्यक्रम को पूर्ण करेंगे। तो इसके साथ ही में एक दिन स्नान करने के लिए प्रातः काल में जा रहे थे आचार्य शंकर और रास्ते में जो एक स्त्री जो है शव लेकर के रुदन कर रही थी, तो आचार्य शंकर ने उनसे निवेदन किया कि आप इस शव को हटाएं और मार दीजिए। और उस स्त्री का ये प्रश्न कहना था कि हे सन्यासी, आप मुझे बार बार ये शव हटाने के लिए कह रहे हैं, आप इस शव को ही हट जाने के लिए क्यों नहीं कहते। यह सुनकर आचार्य बोले, हे देवी, आप शोक में कदाचित यह भी भूल गए हैं कि शव में स्वयं हटने की शक्ति ही नहीं है। तो स्त्री ने तुरंत यह उत्तर दिया, महात्मन, आपकी दृष्टि में तो शक्ति निरपेक्ष ब्रह्म ही जगत का कर्ता है। महात्मन, आपकी दृष्टि में तो शक्ति निरपेक्ष ब्रह्म ही जगत का करता है, फिर शक्ति के बिना यह शब्द क्यों नहीं हटता। सर, आपकी आवाज इको हो रही है। जी जी हाँ, एक्चुअली यहाँ पे बहुत कुछ गड़बड़ हो गया कि वे नेट चले जाने से टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारा अधिकार तो रह नहीं पाता उतना। सो एनीवे, ये वाला जो पंक्ति है जहां से एनिग्मेटिक व्यक्तित्व के बारे में मैं बात करना चाहता था और इसीलिए ये विषय चुना था कि आचार्य को उन्होंने ये जब ये कहा
और ये प्रश्न बड़ा गंभीर प्रश्न है, आप इससे जल्दी से पीछा नहीं छुड़ा सकते कि महात्मन आपकी दृष्टि में तो शक्ति निरपेक्ष ब्रह्म ही जगत का करता है, फिर शक्ति के बिना यह शब क्यों नहीं हट सकता। निश्चित रूप से इसका प्रश्न हम सब टटोलेंगे जब हम चर्चा में जाएंगे और ओपन हाउस डिस्कशन में जाएंगे, लेकिन उससे पूर्व मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर रमाकांत आंगिरस जी को कि उनके इस उपजिज्ञास व्यक्तित्व के ऊपर वो अपनी बात हमारे साथ सबके साथ साझा करें। प्रोफेसर रमाकांत आंगिरस जी। ओम शनो मित्र शंभरुण शनो भक्तर्यमा शनो इंद्रो बृहस्पति शनो विष्णु विक्रमा नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु तुमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म भविष्यामि ऋतं भविष्यामि सत्यं भविष्यामि तन्वामवतु तर्वक्तारमवतु अवतु वाम अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति। समादरणीय मित्र मंडली, विद्वान मंडली और बंधुवर्ग, आज का दिन बड़ा भारत के लिए ही नहीं विश्व के लिए एक बड़ा सौभाग्यशाली दिवस है। इसमें आचार्य शंकर जैसी व्यक्तित्व का आविर्भाव होता है। लोग ऐसा परंपरा के अंदर लोग मानते थे कि किसी ऐसे व्यक्तित्व का, ऐसे तेज का आविर्भाव होना और पुत्र के रूप में आविर्भाव होना या किसी अन्य रूप में आविर्भाव होना, ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय होता है, क्योंकि वो बहुत सारी जो डूबी हुई परंपराएं होती हैं उनका वो उद्धार करने में आगे जाकर के समर्थ होता है। इसी दृष्टि से ये संभवतः कहा गया कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। ये एक ऐसा व्यक्तित्व जब जन्म लेता है तो ये संपूर्ण कुल पवित्र हो जाता है। और जननी कृतार्था, माँ अपने को कृतार्थ अनुभव करती है, ये प्रायः सामान्य बात है। लेकिन आगे जो जोड़ा उन्होंने, वसुंधरा पुण्यवती चते, पृथ्वी जो है वो अपने को सार्थक महसूस करती है उस दिन कि इस मिट्टी में से एक ऐसे तेजस का आविर्भाव होना। वो तो वसुंधरा के लिए जो अत्यंत श्रेयस्कर जो प्रसन्नता पृथ्वी माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वी की कल्पना हमारी रही है, तो ऐसे व्यक्तित्व के माध्यम से वसुंधरा पुण्यवती चते, कैसा व्यक्तित्व है, अपार सच्चित सुख सागर लीनम परे ब्रह्मण जैसे चेता। जब कोई ऐसा व्यक्तित्व जन्म लेता है कि अपार सच्चित सुख सागरे, वो अनंत चेतना के समुद्र में डूबा हुआ व्यक्तित्व रचा हुआ, डूबा हुआ न कह के हम उसे कहें कि उसमें सराबोर हुआ, उस अद्वैत भावना के अंदर, उस सर्वाद्वैत सर्वात्मवाद के अंदर रचा बसा हुआ जब कोई व्यक्तित्व जन्म लेता है तो बड़ी शताब्दियों के लिए वो एक बधाई का जातियां पात्र होती हैं। पृथ्वी से लेकर के उस धरती के ऊपर होने वाले सभी बधाई के पात्र होते हैं। तो हम समझते हैं कि आप सब भी इसमें जो इसमें शामिल हुए हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत इस दिन का वर्धापन है। और जो सभी विद्वान लोग हैं, कोई विशेष उसमें पक्ष ऐसा नहीं होगा जो आप लोगों की भी दृष्टि में नहीं आया है, लेकिन एक वक्तव्य जो है श्रद्धांजलि के रूप में ही, एक कुछ मांजलि के रूप में हम समर्पित कर रहे हैं उसे कि आचार्य शंकर का जो पक्ष आपने रखा है कि उसका
वर्तमान के अंदर 21वीं शताब्दी में जो बात कही गई है उसमें ऐसा आ रहा है कि इस जगत के अंदर प्राय एक विरोध दिखाई देता है। आमतौर पर हम जब सोचते हैं तो हम इसी ढंग से सोचते हैं कि एक थीसिस होता है और एक उसका एंटी थीसिस होता है, तो ये दो विरुद्ध धाराएं आपस में टकराती हैं और टकराते हुए ये फिर आपस में मिल जाती हैं, अग्रसर होती रहती हैं। प्रायः हम प्रत्येक उसमें इसी दृष्टि से सारा द्वैतवाद जो है वो इस द्वैत जो है वो इस थीसिस और एंटी थीसिस का ही खेल है जो सृष्टि के अंदर चला हुआ है। और इस सृष्टि के खेल के अंदर बहुधा मनुष्य जो है वो आत्मविस्मृति में चला जाता है। ये आत्मविस्मृति जो है ये बहुत ही विचित्र वस्तु है। आत्मविस्मृति में इतना सब, इतने उपदेश, इतने स्वाध्याय, इतने आश्रम, इतने मठ, इतने प्रवचन सब होता है, लेकिन वो आत्मविस्मृति की जो सुषुप्ति है वो खंडित होने का नाम नहीं लेती है। और ये इसका जो ये इसी कारण से जो इसमें जो हम कहते हैं कि एक वो एक पहेली बन गई हमारे लिए, एक रहस्य बना हुआ है, और वो रहस्य जो है उस रहस्य को कौन खोले, तो वो रहस्य को खोलने के लिए ये जिन लोगों ने प्रयास किया है उनमें आचार्य शंकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण उनकी भूमिका रही है। तो उनके विषय में आप देखेंगे कि ये वर्तमान की जो स्थिति है उसमें जो ज्ञान है हमारा, वो हमारा ज्ञान ही उदय होता है, क्रिएटिविटी भी है, रचना धर्मिता भी है, सब कुछ करता है, लेकिन वो जो कुछ लगता है वो विषाक्त साथ के साथ होता चला जाता है। वो विषाक्त होता चला जाता है इस दृष्टि से कि जिस वस्तु को हम उत्पन्न करते हैं कल्याण के लिए, सुख के लिए, सुविधाओं के लिए, वो कुछ समय के बाद जाकर के वही हमारे अकल्याण का हेतु बन जाता है। और इस द्वंद्व से मनुष्य कभी मुक्त हुआ नहीं है। प्राचीन काल को भी देख लें, वर्तमान को देख लें, तो उसमें ये दर्शन ऐसे हैं जो काल को स्वीकार नहीं करते हैं। जो घटित हो रहा है वो पहले भी घटित जो हो रहा था, भूत में वर्तमान और वर्तमान में भविष्य और भविष्य में, ये सब तीनों एक ही काल के पक्ष हैं। इसलिए इसमें कोई ऐसा कि पहले नहीं हुआ अब हो रहा है, आगे नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। इस दृष्टि में अद्वैत वेदांत की दृष्टि के अंदर काल जैसा तत्व जो है उसको उस दृष्टि से एक बहुत महत्व नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये स्वीकार कर लिया जाता है कि ये मनुष्य अपनी अविद्या के अंदर, अविद्या के माने यहाँ पर कोई वो नेगेटिविटी वाली बात नहीं है, अविद्या के माने ये है कि विद्या के ही समानांतर एक है विद्या का जो अभाव नहीं है, बल्कि विद्या जो है उसका ना अज्ञा उसके प्रति जो उपेक्षा का, विद्या के प्रति जो उपेक्षा का भाव है। हमारी स्मृति और विस्मृति साथ साथ जैसे चलती हैं कि हम कुछ विस्मृत करते चलते हैं, कुछ उसमें स्मृति में चलते हैं, तो इस प्रकार से ये एक रहस्य बना हुआ है हमारे लिए। मंत्रों के अंदर हम देखते हैं तो बहुधा ये जो एनिग्मेटिक पक्ष रखते हैं हम, उपनिषदों में आपको मिलेगा कि विद्याम च अविद्याम च यस्तद् वेदो भयम् सः, विद्या और अविद्या। और यही नहीं है, ये बहुत बड़ी डिटेल बन जाती है, बहुत बड़ी पहेली बन जाती है। अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतम अश्नुते, अब अविद्या से मृत्यु का तरण करके विद्या में अमृतत्व की प्राप्ति होती है। इस तरह की जो बातें हैं जहाँ पर एक प्रकार से ये जो हमारे सामने एक सृष्टि का मौलिक रहस्य है, वो मौलिक रहस्य क्या है कि हम लोग जो अपने आत्मश्रेय के कल्याण की दृष्टि से ही जिन वस्तुओं को पैदा कर रहे हैं, विज्ञान के माध्यम से कर रहे हैं, प्रज्ञान के माध्यम से, जिस किसी भी माध्यम से, वो हमारे लिए एक प्रकार से उपयोगी ना होकर के हमारे द्वंद्व का और निरर्थक द्वंद्व का कारण बन करके बहुत बड़े बड़े संघर्षों के लिए। व्यक्ति जीवन में भी वो उसी तरह की पीड़ा को लाता है, सामाजिक जीवन के अंदर भी महाविनाश को लाता है, और व्यक्तित्व जो है
वो व्यक्ति भी कोई उसके अंदर कुछ ही देर का आनंद ले पाता है और वो भी छोटा सा एक कंफर्ट होता है सुख, ये सुख के पीछे हो जाता है। इसलिए इस 21वीं शताब्दी में जब हम ये बात करते हैं, अध्यात्म दृष्टि की बात करते हैं, आचार्य शंकर के दर्शन की बात करते हैं, तो उसको देख करके एक आचार्य कहते हैं कि आचार्य शंकर का दर्शन तो भाई ऐसा है, दर्शन है विचार्यम सर्व वेदांत है, सभी वेदांतों के द्वारा जो विचार करने की वस्तु है, विचार्यम सर्व वेदांत ही, सभी जितने भी स्कूल्स हैं विचार करने के जो स्कूल हैं, क्योंकि विचार मनुष्य की एक बड़ी मौलिक संपदा है जिसकी मनुष्य उपेक्षा करता है। जिसे कहते हैं ना कि ये मनुष्य के अंदर एक ही तो बात है कि मननात् मनुष्य, वो मनन करके चलता है, मनन क्या है, उसका विचार है, लेकिन ये विचार कहाँ से क्या चल करके स्थूल से सूक्ष्म में जा करके हमें उसमें अक्रम स्थिति के अंदर पहुंचा देता है। तो वहां वो कहते हैं कि ये विचार्यम सर्व वेदांत ही, आचार्य शंकर का ये दर्शन ऐसा है जो सभी वेदांतों के लिए एक विचार का विषय है, ये एक चैलेंज है इसको समझना, ये विचार होना चाहिए इसके ऊपर। संचार्यम हृदय अम्बुजे, और आचार्य शंकर का ये दर्शन हृदय अम्बुज, हृदय कमल के अंदर ये धारण करने की वस्तु है, हृदय में उतारने की वस्तु है। हृदय अम्बुजे संचार्यम, एक ही धातु के रूपों से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये विचार ऐसा नहीं है कि इस विचार को हमने सुना और सुन करके हमने वहां जाकर के विसर्जन कर दिया। ये विचार्यम सर्व वेदांत, सभी दर्शन, सर्व वेदांत का मतलब जितनी भी दार्शनिक दृष्टियां हैं सभी के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है, विचार ये है उनके लिए। और फिर उसके बाद विचार करके संचार्यम हृदय अम्बुजे, हृदय कमल में ये हृदय में जिस वस्तु को हम धारण करते हैं वो हमारा वो बन जाती है, हमारी अनुभूति, वो हमारा अनुभव बन जाता है। और प्रचार्यम सर्वलोकेशु, इसलिए लोक दृष्टि से, क्योंकि संतस सदा परिते विहिता अभियोगा, संत लोग वही होते हैं जो सदैव लोक के हित के लिए ही चिंतन करते हैं, वो स्वयं जिस अनुभव में जाते हैं उसी अनुभव को लोक के लिए आगे उसी को अग्रसर करते हैं ताकि लोग भी उसी प्रकार से उस आनंद को, उस सुख को, उस सही दिशा में जा सके। तो प्रचार्यम सर्वलोकेशु आचार्यम शंकरम, ऐसे हम आचार्य शंकर को प्रणाम करते हैं, उनको स्मरण करते हैं। इसके अंदर ये दो प्रश्न जो हमारे सम्मुख आए हैं, विचार की पराकाष्ठा और सौंदर्य की पराकाष्ठा, वास्तव में देखा जाए तो ये देखने में बहुत बड़ा चैलेंज लगता है, लेकिन इसको अगर वेदांत की शैली में विचार किया जाए तो विचार की पराकाष्ठा क्या है, विचार की पराकाष्ठा कहाँ पर चली जाती है, विचार की पराकाष्ठा है स्वानुभूति, स्वानुभूति ही कमाना है, नम शांता है तेजी से दिक्काला दिनवत छिन्नानंत चिन्मात्र मूर्ते, जो टाइम और स्पेस की सीमाओं से मर्यादा में जो बंधा हुआ नहीं है विचार, दिक्काला जनवत छिन्न अनंत चिन्मात्र मूर्ति, चिन्मात्र ही जिसका स्वरूप है। लेकिन ये सारा कह करके एका स्वानुभूति गमाना है, नमः शांता है तेज से, स्वानुभूति ही, ये स्वानुभूति क्या है, ये स्वानुभूति ही सौंदर्य बनता है, यही प्रतिभा में परिणत होता है। विचार जो है जब प्रतिभा में परिणत होता है तो सौंदर्य का आविष्कार हो जाता है, जब उसका सामंजस्य पदार्थों का सामरस्य जब बनता है तो उससे उसका परिणाम क्या होता है कि जब बाहर का भीतर से, बाहर का भीतर से जब सामंजस्य होता है, हमारा 21वीं शताब्दी में क्या है, बाहर और भीतर का सामंजस्य नहीं बन रहा है। बाहर हम विज्ञान के क्षेत्र के अंदर दौड़ते हैं, अग्रसर होते हैं, लेकिन एक असत्य से दूसरे असत्य में, ये वही लोग कहते हैं, एक अनसर्टेनिटी से दूसरी अनसर्टेनिटी के पीछे चले जाते हैं, फिर उसमें से विज्ञान हमें आगे कुछ और दिखाता है, फिर और उसके आगे, एक भगदड़ है उसके अंदर मची हुई, और कौन
इसलिए शक्ति उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए जिस शक्ति के द्वारा अहंकार की अहंकार का चरम रूप प्रकट हो जाता है। अहम का नहीं, अहम वस्तु जो है वो स्वानुभूति के अंदर उत्पन्न होती है, वो प्रत्येक जीव के हृदयाकाश के अंदर, प्रत्येक जीव के हृदयाकाश के अंदर अहम की अनुभूति जो है उसको आत्मरूपा अनुभूति कहा है। वो आत्मरूप जो अनुभूति है वो प्रत्येक जीव के अंदर विद्यमान है, लेकिन ये जो अहंकार है ये बाद की विषयों के सेवन से धीरे 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 उसमें बनने वाला अहंकार जो है वो एक भिन्न वृत्ति है, विशेष प्रकार की वृत्ति है जो पुण्य की ओर भी अग्रसर हो सकती है, पाप की ओर भी अग्रसर हो सकती है। पुण्यात्मक अहम भी हो सकता है अहंकार, और पापात्मक अहंकार भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर एक ये देखने की बात यह है कि हमारा जो विचार और स्वानुभूति है दोनों के अंदर जब तक सामंजस्य नहीं बनता है तब तक सौंदर्य का आविर्भाव नहीं होता है। जब ये सामंजस्य बन जाता है तो विचार और स्वानुभूति इन दोनों का जब सामंजस्य बनता है तो उसमें प्रतिभा का स्फुरण होता है। उसमें ये मिथ्या की बात है जिसको हम सामान्य रूप से जानते हैं। वेदांत की आमतौर पर प्रसिद्ध जो बात है वो लोग मोटे मोटे तौर पर कह देते हैं, लेकिन उस गहनता में प्रविष्ट नहीं होते हैं। सामान्य रूप से लोग कहेंगे कि आचार्य शंकर का सिद्धांत क्या है, तो कहेंगे ये आधे वाक्य में सुनिए, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है जगन मिथ्या है, जीवो ब्रह्म ही बना पड़ा, जीव ब्रह्म ही है और उससे भिन्न नहीं है। ये इंटेलेक्चुअल स्थूल बोध के अंदर, स्थूल बोध वाले लोगों के लिए ये सहज है। ये सामान्य रूप से आम आदमी जो कहने वाला है, लेकिन जब तक ब्रह्म का पता ही नहीं है जगन मिथ्या कैसे हो गया, और जगन का मिथ्या तो जब तक आपके भीतर नहीं आया तब तक ब्रह्म की ओर आप अग्रसर कैसे होंगे। तो जगन मिथ्यात्व को कैसे, जगन मिथ्यात्व का अभिप्राय क्या है, और मिथ्यात्व को ही लोग नहीं समझते कि मिथ्यात्व के माने क्या है, अध्यास क्या है, अध्यास क्या उस चेतना का स्फुरण है या उसका आवरण है या उसका क्या है, आच्छादन है क्या है। ये प्रत्येक पद जो है अपने आप में वो एक एनिग्मैटिक बन जाता है, एक पहेली बन जाता है। शब्द जो ऊपर से दिखाई देता है वो उसका वाच्यवाचक भाव जो स्थूल रूप में हम देखते हैं वो उसका एक मायावी रूप होता है, वो आमतौर पर व्यावहारिक रूप हमारा चलाने का, लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जिन शब्दों के जैसे जैसे हम एक शब्द को लेकर के, ब्रह्म पद एक ही है, उस ब्रह्म को अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र से आचार्य शंकर जब अग्रसर करने लगते हैं तो वो कहते हैं कि वो एक ही पद है। अरे जानने की वस्तु में दो है ही नहीं। संवर्तांगिरस परशुराम को ये समझाते हैं कि दुनिया में एक प्रश्न है, बाकी के प्रश्न सब मिथ्या है, तुम मैं कौन हूं ये एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, और इसकी तुम तलाश करनी शुरू कर दोगे तो तुम्हें जब तक स्वानुभूति में नहीं प्रवेश हो जाओगे तो इसका उत्तर नहीं मिलेगा। तुम्हें ढूंढ कितने प्रयास करो, मैं कौन हूं, मैं हूं, तो आचार्य शंकर अपने दर्शन को इसी राम राम सारे हैं। तो ये उसमें ये इस प्रकार से जो है उसमें वो ग्रहण करते हैं कि वो आत्म तत्व जो है सर्वात्मत्वमिति स्तुति कृतमिदं यस्मादमुष्मि स्तवे, वो अपना जो स्तोत्र साहित्य लिखते हैं एक महाकवि की तरह लिखते हैं, जो भी लिखते हैं सौंदर्य की जब हम बात करते हैं तो कवि लोग जो होते हैं वो सौंदर्य की ही आराधना करते हैं, वो स्वानुभूति से ही परिचालित होते हैं कवि लोग जो होते हैं। इसलिए कवियों के काव्य के अंदर दर्शन जो है वो जितना सहज होकर के समझ आने योग्य बनता है उतना बौद्धिक शास्त्रों से संभवतः समझने में बल लगता है। तो वो यहाँ पर अपना दक्षिणामूर्ति स्तोत्र के समाप्ति पर कहते हैं सर्वात्मत्वमिति स्तुति कृतमिदम्। ये मैंने सर्वात्म भाव का स्तोत्र में
एक व्याख्यान कर दिया है, सब समझा दिया है, प्रकट किया है उसको, सर्वात्मत्वमिति श्रुतिकृतमिदं यस्मादमस्मिन् स्तवे, इस स्तव मैंने सर्वात्म भाव को प्रकट किया है। तो इसके मनन से श्रवणाद तदर्थ मननाद ध्यानाद, उसका ध्यान करने से, उसका मनन करने से, उसका निधिध्यासन करने से सर्वात्मत्व महाविभूति सहितम सद ईश्वरत्वम स्वतः, मनुष्य को अपने भीतर का ईश्वर जो है उसका प्रत्यक्ष हो जाएगा, वो स्वयं ही ईश्वर है, ऐसी अनुभूति उसको, ब्रह्मैवाहम चिदेवाहम, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं चिदेवाहम कहने के लिए नहीं अनुभूति में आता, कहने के लिए निषेध करता है बिना एवं बापी ने चिंतते ब्रह्मैवाहम चिदेवाहम एवं बापी ने चिंतते चिन्मात्र ने व्यस्तिष्ठित वैदेही मुक्त ये बता, वो देह होते हुए भी जो बुद्धि के द्वारा नहीं कहता है, बुद्धि के द्वारा सोच करके नहीं कहता है कि मैं ब्रह्म हूं, वो मन की कल्पना के आधार पर किसी कॉन्सेप्चुअल बना करके अगर कहता है कि मैं अहम ब्रह्मास्मि तो कहते नहीं जड़ है, उसको नहीं पता, उसके भीतर से स्वतः जैसे नीचे से जल का स्रोत धरती के अंदर से फूटता है, जिसे कबीर जैसे लोग कहते थे कि ये मैंने सोचत सोचत निकस्यो नीरु सो जल निर्मल कथत कबीरु, कबीर कहता है वो राम जल मेरे भीतर से, मैं तो खोता जा रहा था लेकिन भीतर से वो राम जल का आविर्भाव हो गया, और वो सचमुच वो जल बहुत ही निर्मल अत्यंत स्वच्छ। अब ये स्वच्छता हमारी भौतिक स्वच्छता, हम लोगों के सामने पानी आने लगेगा, कुछ और आने लगेगा, लेकिन चैतन्य में जो स्वच्छता है, स्वच्छ पद जो है, वही स्वच्छ पद जो साधारण तौर पर हम प्रयोग करते हैं, इसी स्वच्छ पद को हम चैतन्य के साथ जोड़ करके प्रयोग करते हैं, दोनों जगह पर ही वो स्वच्छ पद जो है, एक जगह वो सौंदर्य को प्रदान करता है, एक जगह पर वो विचार को प्रदान करता है। विचारहीन सौंदर्य नहीं होता है, और सौंदर्यहीन विचार अपने वो पकड़ में नहीं आता, गृहित नहीं होता है। इसलिए बहुधा हमारे सभी दार्शनिक बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन बहुत बड़ी उसको पढ़ने में कितना व्यायाम, कितना सब वो करना पड़ता है उसके अंदर, और लेकिन फिर भी वो तत्व की अभिव्यक्ति ना होने से वो कहते हैं हमारी प्रज्ञा का यहीं तक स्पर्श हुआ है, इसके आगे हम नहीं समझते हैं इस बात को। इसलिए उपनिषदों के अंदर, वेद के अंदर जो तत्व स्पूर्ण हुआ है, वहाँ तत्व को भी उन्होंने यही कहा है कि देवस्य पश्य काव्यम न मारना जीव्यति, ये सृष्टि जो है उस देवता का, उस पर ब्रह्म का ये काव्य है, इस काव्य रूपता का आप अनुभव कीजिए, और इस काव्य रूपता के अंदर वो विचार भी आपको मिलेगा, वो वेद जो है वो ज्ञानात्मक भी है, विचारात्मक भी है, सौंदर्यात्मक भी है, लेकिन ये सारे का सारा जो हमारे लिए, जिसे हम कहते हैं कि ये समझ में नहीं आता, समझ में इसलिए नहीं आता, एनिग्मा उन लोगों के लिए है जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के पीछे दौड़ रहे हैं बुद्धि के साथ, क्योंकि बुद्धि तो एनालिटिकल है, वो एनालिटिकल है, उसने तो टुकड़े टुकड़े खंड ज्ञान जो है, खंड ज्ञानों की ओर आपको ले जाना है, और एनालिसिस कर करते 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 आप जहां पहुंचेंगे, जाकर के निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, वहां अखंडता की अनुभूति नहीं होगी, वहां फिर आगे एक प्रश्न खड़ा हो जाएगा, एक रह जाएगा उसके अंदर। इसलिए कहते हैं कि ये जो चैतन्य है, जो ज्ञान का बाह्य रूप जो है, बाह्य रूप में वो खंड खंड है, खंडों में ही मटा हुआ है, इदम जलम इदम यम पृथ्वी, ये पृथ्वी है, ये जल है, ये अमुक वस्तु है, ये अमुक है, ये अमुक है, वो अमुक अमुक करते ही सारी उम्र बीत जाती है, खंडों को ही पकड़ते पकड़ते उन खंडों को थोड़ा थोड़ा जोड़ करके हम अपनी व्यवहारिकता चलाते हैं, लेकिन अखंड बोध जो है, अखंडता का बोध जो है, हमें प्राप्त नहीं होता। अखंडता का बोध कहाँ होता है, कि चाहे हम दर्शन पढ़ रहे हैं, चाहे हम काव्य पढ़ रहे हैं, दर्शन पढ़ रहे हैं, कवि और दर्शन का भारत के अंदर एक अद्भुत सामंजस्य हुआ है, ये ध्यान देने की बात है। पश्चिम के दार्शनिकों को इसलिए बहुत दिक्कत होती है इस बात को समझने के लिए, कि ये आप कविता करते करते फिलोसफी में चले जाते हो, और फिलोसफी करते करते आप कविता में आ जाते हो, उनके लिए ये एनिग्मा बन जाता है। हमारे लिए ये
एक पहेली नहीं है। हम समझते हैं कि हम जब वाल्मीकि रामायण को पढ़ते हैं तो वाल्मीकि रामायण के अंदर हमें दर्शन नहीं, पूरा तत्व दर्शन मिलता है पूरे का पूरा। हम कालिदास को पढ़ते हैं उसमें पूरा दर्शन मिलता है, बाणभट्ट को पढ़ते हैं उसमें पूरा दर्शन मिलता है, भवभूति को पढ़ते हैं, ये सब दार्शनिक और कवि एक साथ सामंजस्य। मैंने कहा ना कि सामंजस्य क्या है, विचार और सौंदर्य। जब बाहर और भीतर का सामंजस्य घटित होता है तो विचार में सौंदर्य उतर आता है और सौंदर्य में विचार उतर आता है। आचार्य शंकर की लगभग 200 के करीब रचनाएं हैं, उन 200 के करीब रचनाओं में प्रधान आचार्य लोग आप सभी जानते हैं कि प्रस्थान त्रय के ऊपर भाष्य, 10 उपनिषदों के ऊपर उनका भाष्य अपने आप में एक अद्भुत, क्योंकि उपनिषदों का रहस्य अदरवाइज खोलना बड़ा कठिन, बहुत ही कठिन रहता है समझे ये। फिर उसमें उपनिषद जो है उसको श्रुति प्रस्थान में रखा और स्मृति प्रस्थान में भगवद गीता को रखा। भगवद गीता के अंदर भी एक वही बात है कि हम कुछ अपने मित्रों से जब मिलते थे तो वो अपने वर्तमानिक दृष्टिकोण से कहते थे कि अरे गीता बड़ी खतरनाक किताब है, ये तो कहती है कि एक बिल्कुल जेनोसाइड में विश्वास करती है कि पूरे का पूरा संहार ही कर दो, ऐसा करती है, ये गीता का मैसेज निकलता है। तो हमें आश्चर्य होता था कि गीता का ये मैसेज कैसे निकाल रहे हैं कि ये जेनोसाइड ही कर दो पूरे का पूरा। तो इसलिए भगवत आचार्य शंकर ने एक संबद्ध एक सुसंगत दृष्टि प्रदान करने की कि आने वाली परंपरा के लोग इस बात को उस दृष्टि को समझें जिसमें सामंजस्य बैठता है। सौंदर्य सामंजस्य होने का मतलब क्या है कि वो वस्तु जिसके अंदर चेतना का प्रकाश आ जाता है वो सुंदर होगी कि नहीं होगी, और जिसमें चेतना का प्रकाश नहीं होगा तो वो सुंदर नहीं होगी, वो असुंदर ही होगी। उसके अंदर आपका सूर्य बाहर प्रकट हो रहा है लेकिन अगर आपकी आंखें अच्छी हैं और आपकी स्पिरिट बड़ी हाई स्पिरिट है तो सूर्य में आपको सूर्य नारायण से व्रतम, आप देखेंगे कि सूर्य नारायण की बात जनमंडलम दीप्तिकरम विशालम रत्न प्रभम तीव्रमनादि रूपम, अब सूर्य मंडल के अंदर आपको चैतन्य नजर आने लगेगा, बाहर और भीतर का सामंजस्य बैठ रहा है क्योंकि वहां पर सूर्य के सामने अगर आप बीमार हैं दुखी हैं आंखों में रोशनी चुभती है तब सूर्य के सामने जाएंगे तो उसमें परेशानी होगी, दुख होगा, लगेगा कि नहीं नहीं सूर्य को बंद करो, मुझे सूर्य को नहीं देखना है, क्योंकि वहां सामंजस्य घटित नहीं हो रहा, बाहर और भीतर का सामंजस्य नहीं घटित हो रहा है। इसलिए ये सामंजस्य जो है कविता में और दर्शन में, कवय पंडित कवय दानव मंता तो केवलम गवय, ऐसी लोगों की विचारणा रही कि कवि जो है दार्शनिक और दार्शनिक कवि होना बहुत जरूरी है, अन्यथा ये जो एक जो वैमनस्य बना रहेगा भाषा की संपूर्णता वाक तत्व जो है उसे हम बहुत, वेद में कोई दर्शन डायरेक्टली सीधा नहीं कोई दर्शन था लेकिन आचार्य शंकर कहते हैं नहीं मैं वेदवाद का ही अनुसरण करके मैं अपने दर्शन की स्थापना कर रहा हूं, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वेद में सौंदर्य भी है। जब वो ये कहते हैं क्यों वेदाहमेतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तम सब परस्तार, मैंने अंधेरों से परे उस सूर्य को देखा, वो प्रकाश का सूर्य, वो विमर्श वो प्रकाश मैंने वो सब देखा है, वो उसमें नान्यपन था और उसको देखे बिना और कोई मार्ग रहा रह नहीं जाता। सौंदर्य को देख करके जो तृप्ति आती है वो एक ऐसी अतृप्ति हो जाती है कि वो अनंत उसके उसकी पूर्ण उसकी तुष्टि कर देती है, पूरी रूप से पूर्ण रूप से उसके अंदर एक पूर्णता को उतार देती है उसके अंदर। इसलिए आचार्य शंकर ने उसके लिए जिस सूर्य का आविर्भाव किया अपने दर्शन के अंदर उस सूर्य का नाम था आत्मा, आत्म पद जो था जिसका बौद्धों ने नेगेटिविटी के अंदर ले जाकर के कि आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं होती, सर्वम क्षणिकम क्षणिकम सर्व शून्यम, या तो शून्यम कहा या क्षणिकम कह दिया, विज्ञानम क्षणिकम हो गया तो उसके कारण आत्म का ही संहार हो गया, आत्म नाम की कोई वस्तु का संकल्पना जो उपनिषदों के अंदर आत्मा भाई वो जो आत्मा को एक
तत्व के रूप में, हम उसे यथार्थ रियलिटी के रूप में, एक वस्तु के रूप में स्वीकार करते थे। सच्चिदानंदाद्वयं ब्रह्म, सच्चिदानंद स्वरूप और वो तेज स्वरूप जो ब्रह्म है, वो कल्पना उसको विज्ञानवाद, बुद्धिस्ट विज्ञानवाद के प्रभाव में, शून्यवाद के प्रभाव में, वो एक प्रकार से एक विघटित हो गया सा सारा चिंतन, लोकमानस सारा विघटित, क्योंकि उसको इकट्ठा करने वाली कोई बात थी नहीं जो एक कहीं इकट्ठा करती। तो उसमें सुसंगतता जो आई, वो एक तर्क उन्होंने उपस्थित किया, सर्वो ही आत्मा अस्तित्वम प्रत्येति। अरे ये क्या करते हो तुम, सभी को अपने होने का बोध, सर्वो ही आत्मा अस्तित्वम प्रत्येति, ये अपने आप में एक सूत्र है ब्रह्म सूत्र में। इसको अगर भाष्य से निकाल करके रख लें तो ये एक सूत्र बन जाता है, सर्वो ही आत्मा अस्तित्वम प्रत्येति। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई देता जो ये कहे कि मैं नहीं हूं, अपने अस्तित्व का सभी तो अनुभव करते हैं, फिर आत्मा के अस्तित्व को क्यों नकारते हो तुम। तो बहुत सारे जो नास्तिक दर्शन थे वो आत्म के अस्तित्व के खंडन में लगे हुए, उनके सामने एक इस प्रकार का एक एक शिला की तरह एक स्वरूप जो रखा सामने, वो अखंड स्वरूप आत्मा का प्रस्तुत किया, सर्वो ही आत्मा अस्तित्वम प्रत्येति। और उसी को ये तर्क से, युक्ति से, बल से सामंजस्य स्थापन करने के लिए लड़ाई थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि यहाँ पर कोई मारामारी वाली बात नहीं थी कि उसके अंदर हम, हमारा एक वैमत्य है तो वैमत्य होने से उसके अंदर सम्मान प्रकट करते हुए उनका तर्कों का, युक्तियों का खंडन किया। और ये कहा, सत प्रत्यया किन्नु विहाय संतम। अरे भले लोगों, जितने भी प्रत्यय हैं, सत प्रत्यय जितने भी सत प्रत्यय है, वो सब के सब संतम विहाय, वो मूल जो सत पदार्थ है, जो सत्तावान पदार्थ है, आत्मा चैतन्य है, उस सत को छोड़ करके भला कहाँ रह सकते हैं, सत का प्रत्यय कहाँ रह सकता है, हम किसको फिर तो किसी को सत कह ही नहीं सकेंगे। वो सत जो है कि मूल जो सत है, सच्चिदानंद में जो सत है, उस सत के ही ये विभिन्न विभिन्न प्रत्यय जो माया रूप में भी आपको भाषित हो रहे हैं, जिनसे आपका सारा व्यवहार चल रहा है, उनका कहीं एक आधार तो स्वीकार करना पड़ेगा, कहीं उसको आप स्वीकार कर। लेकिन इसका कहाँ आधार मिलेगा, पूछा उन्होंने, इस सत को हम कहाँ अनुभव करें। आत्मा अगर सत रूप है तो उसका कहाँ अनुभव करें, हृदय चिंता रहित हृदय, उसको हृदय में अनुभव करो, इंटेलेक्चुअली वो पकड़ में नहीं आएगा, उसमें फिर उसमें एनालिसिस सिंथेसिस उसमें चले जाओगे। इसलिए हृदिस्था थोड़ी वो जो बात इन्होंने कही थी कि हम उसमें जो सेंसिटिविटी सेंसिबिलिटी, वो जो कंसेप्शन परसेप्शन कंसेप्शन जो है उसके अंदर, और फिर ये इंसेप्शन, उसको फिर कंसेप्शन जो है कंसीव करना है, तो कंसेप्शन के लिए कौन सी जगह बता रहे हैं आचार्य शंकर, प्रातः स्मराम हृदय संस्फुरद आत्म तत्व, इस श्लोक में लिखा हुआ है। हृदय में जो स्फुरण होता है, बुद्धि में नहीं स्फुरण हो रहा है, प्रातः स्मराम हृदय संस्फुरद आत्म तत्व सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरीय, यद स्वप्न जागृत सुषुप्ति मवैति नित्यम तद ब्रह्म निष्कलवम न च भूत संघा। ये मेरी एग्जिस्टेंस, तुम ऐसे मत सोचो कि मैं मर गया, मेरा शरीर टूट गया तो मैं चला गया, नहीं, मेरी यात्रा है ये, अनंत की यात्रा में चला हुआ हूँ, इस जन्म से अगले जो रह गया शेष, बोल तो शेष रहना नहीं चाहिए लेकिन रह गया, उसको अग्रसर करना चाहिए, मुझे अग्रसर करना है उसे। इसलिए वो जो सत प्रत्यय है, ये जितना भी आपको सत का प्रतीति भी हो रही है, ये इसका मूल कोई एक सत वो ही सत्ता है, लेकिन इसको प्राप्त कहाँ करना, कि वो विकल्पहीन जो हृदय है, हृदय के अंदर अनुभव इसको करना ठीक हो। तो कहा हृदय में कैसे करें, हृदय में कैसे उपासना इसकी हो सकती है, और कहा कि हृदय में उपासना ऐसे हो सकती है, तस्य स्मृति उसका स्मरण करो, कहते हैं कि स्मरण तो उसका होगा जो वास्तविक कोई पदार्थ सामने दिखाई देगा, कहते कि नहीं, उसका स्मरण के माने यहाँ क्या है, तदात्म निष्ठा, उसमें आत्म में निष्ठा, उसमें लगना सीखो, अपने आत्म में अपने आत्म को अपने से अलग यार मत समझो, आत्मनिष्ठ होना सीखो,
तस्य स्मृति तत्र दृढ़ेव निष्ठा, उसकी स्मृति यही है, ध्रुवा स्मृति यही है कि उसी में निष्ठा को प्राप्त करो। तो इस प्रकार से आचार्य शंकर का जो दृष्टिकोण था, आचार्य शंकर ने अपनी सारी जो पूर्व परंपराएं थी उन पूर्व परंपराओं का एक तो उद्धार किया, और उद्धार करने के साथ उनमें जो वैमनस्य थे उन वैमनस्यों को दूर किया। तो लोग के अंदर शास्त्र निर्माण करते हुए, स्तोत्र निर्माण करते हुए, आज एक स्तोत्र पर अगर चर्चा करें तो बहुत समय चाहिए, तो बड़ा एक संक्षिप्त सा समय दिया गया है। तो उसके अंदर एक जो सामान्य सी बात है कि ये उन्होंने आम लोगों के लोक जीवन के लिए, नहीं तो अगर वो मुक्त थे और ये जगत मिथ्या था तो इसके लिए ये बताने की क्या जरूरत थी कि पंचदेवायतन, पंचदेवों की पूजा करो, छह देवताओं को मांगो, कैलाश पर्वत पर गए, वहां से पांच शिवलिंग लाए, स्फटिक शिवलिंग, और ला करके पांच शिवलिंगों को स्थापित किया जहां पर लोगों के लिए, ये भोग लिंग है, ये योग लिंग है, ये शिव के जो पांच रूप हैं उनकी जगह जगह पर भारत के कोनों में स्थापना की, चार मठों को स्थापित किया। कहा कि ऋग्वेद का पूर्व दिशा ऋग्वेद की है, दक्षिण दिशा यजुर्वेद की है, अथर्व पश्चिम दिशा अथर्ववेद की है, तो उत्तर दिशा जो है उसमें सामवेद स्थित है। एक ऐसा संपूर्णता का वियन, चारों दिशाएं आपकी ऊर्ध और अधः, ये सब ब्रह्मरूप ही है सारे का सारा। इस अनुभूति को, इस अखंडता को, अखंडता को प्रमोट करना अगर है, अगर ये समझना है कि जो वहां घटित हो रहा है, जो यूक्रेन में घटित हो रहा है, रशिया में घटित हो रहा है, घटित हो रहा है, कहीं भी घटित हो रहा है, वो एक खंडात्मक, क्योंकि ये ब्रह्मवाद है, और लेकिन आज के संदर्भ में कहें तो हम सर्वात्मवादी हैं, जो उन्होंने दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में कहा सर्वात्मत्वमिति श्रुति कृतमिदं यस्माद् मुष्मिंस्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानाच्च संकीर्तना सर्वात्मत्व महाविभूतिशयितं चादीश्वरत्वं स्वतः सिद्धे तत्पुनरश्रद्धा परिणतं चैश्वर्यमव्याप्तं। अव्याहत ऐश्वर्य की ओर अगर आगे बढ़ना है, अखंडित ऐश्वर्य, सबके सुख की अगर कामना करना है, तो ये श्लोक पढ़ते रहने से क्या होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, करते रहो, विश्व का कल्याण हो, करते रहो, विश्व का कल्याण बोलने से कहता कल्याण नहीं होने वाला। उसके लिए किसी एक व्यक्ति पिंड के अंदर उस सर्वात्मवाद को जागृत करना पड़ेगा, जो सबके अंदर आत्मा का अनुभव करते हो, अपने को सब में देखे और जो सबको अपने में देखे, ऐसी दृष्टि को अग्रसर करने के लिए आचार्य शंकर उन लोगों के लिए जो हृदय से नहीं देखेंगे उनके लिए तो वो एनिग्मेटिक है वहां पर, क्योंकि सामंजस्य घटित नहीं, पहेली पढ़ रही है, पहेली बनी हुई है, ये पहेली जो थी ना, इसे उल्टवासी जो जिसे कहते थे संत लोग, उसमें ठाड़ा सिंह चरावे गाय, मैंने कबीर कहता कि मैंने विचित्र देखा, ये शेर खड़ा गाय को चरा रहा है। अब शेर गाय उसका भोजन है, लेकिन शेर उसको गाय को चरा रहा है, लेकिन ये संभव कहा, अभिप्राय क्या है कि शेर जो है वो ब्रह्म ज्ञान ही शेर है, और गाय कौन है, ये बुद्धि जो है गाय, अब बुद्धि जो है वो सिंह के अधीन, सिंह उसका ध्यान रख रहा है, बुद्धि को उसने दीक्षित कर दिया है अपने ज्ञान के अंदर, अपने स्वरूप में कर दिया है। इसलिए इस प्रकार की जो दृष्टि है इसमें भाषा भी उलट जाती है, जब भाषा उलटती है, क्योंकि प्रेम की भाषा और होती है, व्यवहार की भाषा और होती है, जब प्रेम में हम बोलते हैं तो कुछ और बोलते हैं, शब्द वही होते हैं,
लेकिन उन्हीं शब्दों का जो चेतना होती है, उनके पीछे जो स्पिरिट होती है वो अलग होती है। लेकिन प्रेम को किसी फिलोसफी के डिपार्टमेंट में अगर कहा जाएगा तो कहा जाएगा कि ये तो बहुत बड़ा एनिग्मेटिक है, ये तो एक सब्जेक्टिविटी है, किस तरह का है, वह है, ये है, वो है। वहां पर तो सौंदर्य और विचार का सामंजस्य हमारी एक बहुत बड़ी भारतीय संस्कृत कवियों की और लोक भाषा के कवियों की भी एक बहुत बड़ी परंपरा रही है। चाहे वो महर्षि रमण थे, महर्षि रमण चाहे तेलुगु में लिखते थे लेकिन उनकी अनुभूति बिल्कुल शंकर वेदांत के अनुकूल, यहाँ की पद्धति के अनुकूल, एक जैसे कवि हृदय होता है वो कविता के अंदर दार्शनिक और दर्शन के अंदर कविता, उसको कहा था ऋषि प्रज्ञा। इसलिए कहा कि ऋषि जो है केवल मात्र वो नान ऋषि कबीर इत्युक्तम, जो ऋषि नहीं है उसे कवि नहीं कहा जाता है। और कवि जो है वो देखने से होता है, कवि जो है ना नान ऋषि कबीर इत्युक्तम ऋषिस्तु किल दर्शनात्, ऋषि जो है वो दृष्टा होने के कारण, दृष्टा के माने जो विचार करता है, लेकिन ये विचार संवेदना पूर्ण विचार है, ये उस वाद्य यंत्र वाला म्यूजिशियन का विचार है, जिसमें वो भी एक शब्द प्रयोग करने लगे हैं ख्याल गायन। ख्याल क्या है उसमें, ये ख्याल वो ख्याल नहीं है जो आप समझते हैं, ये ख्याल जो है ये विचार है जो संवेदना से युक्त विचार है, और जहाँ संवेदना आएगी वहाँ सौंदर्य आएगा। मैं समझता हूँ कि ये दोनों बातें आचार्य शंकर के साहित्य में, उनके दर्शन के भी आप पक्षों को पढ़ें, अगर हृदय से आप उनके दर्शन को पढ़ेंगे तो आपको उनके भाष्यों में भी काव्य नजर आएगा, लेकिन अगर आप उसमें फिलोसोफर बन करके पढ़ेंगे तो उसमें ठेठ तार्किकता ही तार्किकता नजर आएगी, वो सामंजस्य नहीं नजर आएगा। तो आज ऐसी महाव्यक्तित्व का हम स्मरण कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं इसलिए प्रोंछनम बुद्धि सत्वस्य, आप हम एक दूसरे को आलोकित करने के लिए उनकी स्मृति से भी एक आलोक फूटता है, हमारे बुद्धि सत्व के ऊपर तौलिया फेरने के लिए हम प्रोंछनम बुद्धि सत्वस्य स्वज्ञान ज्ञान ज्ञापनम, और हम लोग अपने अज्ञान से बाहर कैसे आए, उस अज्ञान से बाहर आने के लिए एक अखंड, आज के संदर्भ में 21वीं शताब्दी में उस अखंडता की बहुत बहुत बड़ी आवश्यकता अपेक्षा है। इस पृथ्वी के जीवन को, पार्थिव जीवन को, इस एक अर्थ कॉन्शियसनेस जो है वो अर्थ कॉन्शियसनेस वेदों में उसको किस ढंग से गृहित किया गया है, ऐसा नहीं है कि उसमें 63-65 सूक्तों का मंत्र जो पृथ्वी सूक्त है उसको पढ़ने से पता लगता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि 21वीं शताब्दी में हमारे भारतीय मानस और लोक मानस, भारतीय मानस केवल अपने तक नहीं सोचता है, वो विश्व के बारे में सोचता है, विश्व के बारे में भी चिंता उतनी ही करता है कि ये सबका भला हो। पहले वो यही कहता है सब सबका भला हो और सबके पीछे हमारा भी भला हो जाए तो अच्छा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की स्पिरिट जो है वो हमारी इस तरह से संपूर्ण, अन्यथा ये शब्द मात्र बन के रह जाएंगे, लेकिन सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो वाक्य है ये ब्रह्म वाक्य तभी बने कि जब हमें किसी को भी एक को अखंडता की अनुभूति, हम एक सामंजस्य के साथ, मैं और मेरे बाहर का जगत इसमें एक सामंजस्य, वो सामंजस्य क्या है मेरा, वो आत्मवाद है, वो मेरा चैतन्य है, वो अगर हमें समझ में आए तो मैं समझता हूँ कि वो संभव है। इन शब्दों के साथ मैं समझता हूँ कि आज इस शंकर जयंती के उत्सव पर डॉक्टर आशुतोष का, आप सब लोगों का, उसके मित्रों ने जो प्रयास किया है ये बहुत सराहनीय है, श्लाघनीय है, और आप सभी लोग वर्धापन योग्य हैं। इन मंगल कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जिस तरह से इस एनिग्मेटिक शब्द की व्याख्या की है और इतने सरल शब्दों में, और जो कि मुझे लग रहा था कि ये बड़ा एक मोहग्रस्त करने वाला शब्द है और था भी, एनिग्मेटिक होना, और
लेकिन उसको बड़े सहज रूप में जिस तरह से आपने व्याख्यायित किया है, हमारे लिए प्रतिपादित किया है, वो वाकई प्रशंसा के योग्य है। और ये हम लोगों का अपना ही मुझे लगता है बौद्धिक संकट है कि हम बुद्धि और हृदय को मिला नहीं पाते, और बुद्धि और हृदय के समन्वय का अभाव ही हमें इस तरह के विचारों को उठाने का मौका देते हैं। जबकि भारतीयता अपने आप में पूर्णता की दृष्टि है, लेकिन उस दृष्टि वो दृष्टि जो है वो खंडित हो गई समय के साथ साथ। बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम जो घटित हुए हैं, मुझे लगता है कि इसका पुनः प्रयास हम लोगों को करना होगा। और आज की इस जयंती के अवसर पर हम इस विषय की ओर ज़्यादा ध्यान दें कि हमारी दृष्टि में पूर्णता कैसे आए, वो सहृदयता कैसे आए, वो समन्वय कैसे हो। लेकिन अपनी बात को मैं बाद में पूरा करूँगा। हमारे साथ कई विशिष्ट विद्वान जुड़े हुए हैं, सबके नाम तो मैं नहीं ले पाऊँगा, लेकिन प्रोफेसर अविनाश श्रीवास्तव जी बुद्धिज्म के हैं प्रोफेसर, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिहार से। प्रोफेसर डॉक्टर बीना अग्रवाल जी, प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर आनंद दुहिये जी महाराष्ट्र से, डॉक्टर अक्षता जी जो हिप्नोसिस में एक्सपर्ट हैं और वो हमारे साथ बेंगलोर से जुड़ी हुई हैं, और उसके साथ साथ अन्य कई लोग, प्रोफेसर उमेद सिंह जी जो इंग्लिश के हेड हैं सिरसा यूनिवर्सिटी में, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप लोग किसी प्रकार का कोई प्रश्न, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये ओपन हाउस डिस्कशन है, और सबसे पहले जो हाथ खड़ा किया है डॉक्टर सुनील मिश्रा जी ने, साझा कर सकते हैं। जी बहुत सादर नमस्कार भाई साहब, आपका जो आयोजन है उसको मैं प्रारंभिक लेवल से ही सुन रहा हूँ, और जैसा मुझे लगा कि आज के दिन जिस तरीके के आपने सेमिनार का चयन, और काशी नगरी से आप साधुवाद एक व्याख्या प्रस्तुत की, तो उसमें जगत मिथ्या शब्द का प्रयोग किया। जो जगत मिथ्या शब्द की बात आती है प्रयोग मिथ्या, ये किस प्रकार से परिवर्तन आया होगा कि हम एक शब्द का प्रयोग उस समय भी और वर्तमान प्रदेश में भी कर सकते हैं, इन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा अगर हम इसको सामाजिक दृष्टि से विश्लेषित करना चाहें। ये देखिए, मिथ्यात्व शब्द का जो प्रयोग है ना, उसके लिए जो बराबर व्याख्यात किया गया है उसको दिया गया है कि अनिर्वचनीयत्व मिथ्यात्व। जी, अनिर्वचनीय है, हम क्या कहें, हम हर क्षण स्थिति के अंदर चले जाते हैं कि जिसको हम आज कल हम कह रहे थे कि ये बहुत महान है, और दूसरे दिन उसको देव उसका कोई हमारे सामने चरित्र सामने आ जाता है तो हम कहते हैं कि अरे यार ये तुम क्या क्या निकले तुम यार, हमने तुम्हें क्या समझा था कल और आज क्या है। अब उसे हम सत कोटि में डालें, मिथ्यात्व का मतलब झूठ मूठ वाली बात नहीं है, उसकी ये है कि उसको परिभाषा है, एक टेम्पोरेरी फेज है हमारा जो जीवन का चल रहा है, जिसके अंदर आज कुछ धारणा बनती, कल कुछ धारणा बनी, परसों फिर बनी, फिर उसमें वो आ गए तो कहा हमने कि वो लोग बहुत श्रेष्ठ हैं, और फिर कहा कि, और आपस में ये जो है तो मिथ्यात्व शब्द का अनिर्वचनीय कहने का प्रयास करोगे, इसी को वो बुक है फिलोसफी ऑफ साइंस क्या है, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि ये हम लोग एक ऐसे डिटर्मिनिज्म में फंस गए हैं, एक ऐसे डिटर्मिनिज्म के अंदर फंस गए कि जिस डिटर्मिनिज्म के अंदर एक
छुरी दूसरी छुरी के बाद आ जाती है, दूसरी तीसरी के बाद वो चौथी आ जाती है। कहीं कोई एक स्पॉन्टेनियस अखंड अनुभूति अगर कहीं हो जाए तो वह हम क्या कहें। ये उस पाश्चात्य वैज्ञानिक ने स्वतः ये कहा कि वर्तमान में जो हमारा व्यवहार जो चल रहा है, तो मिथ्यात्व शब्द का सामान्य आम आदमी जो है वो शब्दों के अर्थ को बहुत स्थूल अर्थ में लेता है, लेकिन उसका जो मौलिक अर्थ है वो ये है कि उसको तुम परिभाषित नहीं कर सकते हो सदा के लिए। तुम ये नहीं कह सकते हो कि ये ऐसा ही होगा, ऐसा ही है। धन्यवाद मैडम। बीना अग्रवाल जी अनम्यूट कर ले मैडम। नमस्ते सभी को। नमस्ते सर। नमस्ते सर। मुझे ये जानना है कि शंकराचार्य ने इतना बड़ा दर्शन दिया ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखकर, अद्वैत वेदांत को पूरे भारत में प्रतिष्ठित भी किया, लेकिन वे ही शंकराचार्य जब सौंदर्य लहरी लिखते हैं, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र लिखते हैं और इस तरह के जो भक्तिपूर्ण स्तोत्र लिखते हैं, तो वहां हमें विचार की पराकाष्ठा कहाँ दिखाई देती है? मतलब मुझे लगता है कि भक्ति भावना की बात को जानती है कि दरअसल में सुंदरी इसके अंदर ये एक पंक्ति आप इस श्लोक के ऊपर जरा ध्यान दीजिए, सौंदर्य लहरी के श्लोक के ऊपर। समुन्मीलन संबित कमल मकरंद एक रसिकम इस एक श्लोक को मैं उनके भाष्य में जहां देखता हूं कि मैंने बौद्धिक संतुष्टि करनी है, मुझे बौद्धिक संतुष्टि चाहिए, तो बौद्धिक संतुष्टि भी चाहिए क्योंकि कहीं पर भी आने वाला अहम उसको उधर को लेके जाना है, नहीं तो अहंकार तो पशु है। उस पशु को पशुता को मैंने परिवर्तित केस में करना है और उसके लिए मुझे हृदय की सहायता लेनी पड़ेगी दर्शन को भी। तो वो जो सौंदर्य है उसको हम नैतिक या अनैतिक दृष्टियों से जब देखेंगे तो उसमें बहुत सारे साधक जो है वो भाखड़े होते हैं कि अरे ये श्लोक यहाँ पर उसे माता भी कह रहे हैं और उसमें वो दही उसमें पड़ जाते हैं, तो वहां स्थिति। लेकिन शंकर जो है वो जब स्वरत्ता को स्वीकार करते हैं, ये सौंदर्य क्या है, सौंदर्य क्या है उसमें वो प्रतिभा का प्रातिभ चमत्कार तो मानते हैं वो लोग भी,
अखंडानुभूति जो है, अखंडानुभूति सिवाय हृदय के, सिवाय उस चेतना के, वो केंद्र नहीं बना पाती है। जरा थोड़ा सा प्रश्न अगर आप और थोड़ा स्पष्ट करना चाहें तो मैं कुछ और कह सकता हूँ। मुझे लगता है थोड़ा सा इसको अभी हमें डालना पड़ेगा, क्योंकि अभी कुछ हमारे साथ और भी टिप्पणियां और विचार जो हैं वो आएंगे। आनंद जी, इसको हम दोबारा टेकअप कर लेंगे और स्पष्टता के लिए। लेकिन हमारे साथ आदरणीय माननीय आचार्य शैवाचार्य निहार पुरोहित जी भी जुड़े हुए हैं, उनका हम स्वागत भी करते हैं। और निश्चित रूप से अगर वो अपनी टिप्पणी हमारे साथ साझा करना चाहें तो उनका बहुत स्वागत है। प्रोफेसर अविनाश श्रीवास्तव जी जो पर्सपेक्टिव से जरूर अपनी कोई ना कोई संक्षेप में बात रखना चाहेंगे, और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी अगर हम तो गुरुजी को श्रवण करने का रस पान कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे मनीषी जो है वो दुर्लभ हैं जिनमें इतनी धाराएं एक जगह मिलती हैं, ऐसा संगम कहाँ पाते हैं। तो इसीलिए प्रश्न कोई नहीं है, बस हम चाहते हैं कि 2 घंटा और गुरुजी बोलते और उसका रिस्पॉन्ड कर पाते, प्रत्येक धारा को समझते, लेकिन समय बहुत कम है। और आगे भी आप इस प्रकार के व्याख्यान जरूर कराएं, क्योंकि कश्मीर शैव दर्शन और अद्वैत वेदांत को दोनों को साथ में लेकर समझने वाली जो व्यक्तित्व है वो है नहीं, क्योंकि दोनों धाराओं मैं पक्ष समझता हूँ। गुरुजी विक्षेप जो है उसकी उनकी एक अपनी ही दृष्टि है कि ये विक्षेप जो है किस तरह से आपकी अपनी शक्ति हो जाती है, वैविध्य कैसे आपका अपना स्वरूप हो जाता है, अपना ही विस्फार हो जाता है। और ये दृष्टि जब अगर शंकर वेदांत की दृष्टि से समझ में आए, आदि गुरु शंकराचार्य की जो वाणी है उससे समझ में आए, बाद के आचार्यों में तो शायद वो कुछ धूमिल हो गई, तो वो एक बाद में एक अच्छा समय रहेगा जब हम इस पर गहराई से चिंतन कर सके, चर्चा कर सके
और ये काश्मीर और काश्मीर शिव दर्शन और अद्वैत वेदांत कैसे पूरक हो सकते हैं, क्योंकि हमारे जो गुरु जी थे प्रोफेसर कमलाकर मिश्र, उनकी एक बहुत ही सुंदर दृष्टि इस प्रकार की रही और उन्होंने भी इसका उल्लेख किया था। तो गुरु जी से बस नम्र निवेदन है कि आगे कभी और आपसे भी आप आयोजन करते रहे और गुरु जी इस प्रकार से रसपान सबको कराते रहे। प्रणाम गुरु जी। धन्यवाद डॉक्टर, धन्यवाद निहार जी। प्रोफेसर अविनाश श्रीवास्तव जी। और इस क्रम में जो दो तीन बातें अभी आई थी, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म है ना पर, तो जब तक हम जीवो ब्रह्म है ना पर को पूर्ण, तब तक हम ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या के ऊपर उतना प्रकाश भी नहीं डाल पाएंगे। इसका कारण यह है कि सामान्य रूप से मिथ्या का जो अर्थ हमारे मस्तिष्क में प्रकट होता है, वहां मिथ्यात का तात्पर्य वह नहीं। गुरु जी ने बड़े अच्छे ढंग से कहा कि सद असद भ्याम अनिर्वचनीय, तो वस्तुतः न तो ये सत है, अगर सत रहता तो त्रिकाल बाधित होता, और असत होता तो आकाश कुसुम की तरह यह दिखाई नहीं देता। यह दिखाई भी दे रहा है और त्रिकाल बाधित भी नहीं है। एट वन मोमेंट इट इज, अनदर मोमेंट इट इज नॉट, और इस कारण ही इसके लिए मिथ्या शब्द का प्रयोग किया गया है। यह न कि जीवो ब्रह्म है ना पड़ा, यह जो जीव है ब्रह्म से पृथक नहीं है। ब्रह्म, we are not devoid of the Brahman, rather we are the manifestation of the Brahman. और गीता बड़े अच्छे ढंग से कहती है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषे अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्या सर्वभूतानि वेन्तारूणानि माये। अब ये बात जो यहाँ पर बड़े स्पष्ट ढंग से गुरु जी ने कहा है कि ये जो हमारी स्थिति है वो अध्यास के कारण, अभी जो हमारे आचार्य पुरोहित ने जो उन्होंने बड़ी अच्छी बातें कही है, अध्यास की आवरण और विक्षेप की बात कही है, और जब तक इसकी पूरी चर्चा नहीं होती है तब तक हम उस अध्यास को अच्छी तरह समझ नहीं पाएंगे, और इस कारण ही एक दूसरा आख्यान इनके लिए अपेक्षित है। और रही बात, गुरु जी ने बड़ी अच्छी बात कही है वो ध्यान के क्रम में, तो बौद्ध धर्म दर्शन में भी जो ध्यान की प्रक्रिया है वो आलंबन की स्थिति ही मात्र नहीं है। जब हम आलंबन से उसको रूप ध्यान और अरूप ध्यान की बातें कही गई है, तो रूप ध्यान वह है जहां पर आलंबन रहता है, और अरूप ध्यान की चार अवस्थाएं हैं, अकिंचनायतनम, आकाशनायतनम, और ये सारे जो अवस्थाएं हमारे ध्यान की है वहां आलंबन की अवस्था नहीं रह जाती है, और रह जाता है नेव संज्ञा और न संज्ञा की अवस्था में पड़ते हैं, माने पूर्णतः वर्तमान में रहना ही जो है नेव संज्ञा, न तो वहां संज्ञा हो रही है न असंज्ञा है न तो, तो इस प्रकार की जो स्थिति है वहां केवल आलंबन का ही बोध आप जो आचार्य शंकर का जो उसमें दृष्टि रही वो उस निरालंब समाधि में
अग्रसर हो जाते हैं वो सही बात है, लेकिन ये निरालंबता में जाने के बाद जो व्यवहार उसमें वो कैसे करे, वो वहां से लौटे थे तो उससे लौटने पर जो बौद्ध दृष्टिकोण से क्या वो उसी प्रकार से श्रृंगार के साथ साथ परमार्थिक और सामर्थिक के बीच में आचार्य शंकर ने व्यावहारिक श्रद्धा को मान्यता दी, स्वीकृति दी, तो उसके अंदर वो चैतन्य का स्फुरण व्यवहार में भी प्रतिभास में भी स्फुरण तो उसी का ही हो रहा है, चैतन्य का ही स्फुरण हो रहा है। तो बाहर के साथ उसका जो है ना कि हमारा जो बाहर के जगत के साथ बहुत सारा जो है वो तालमेल कैसे बैठेगा, इसलिए आचार्य शंकर ने सत्ता द्वय न मान करके तीन सत्ताओं का स्वरूप मान लिया उन्होंने, और बीच में व्यवहारिक सत्ता को यथेष्ट मान्यता दी उन्होंने। अथवा बोलते ही है कि मनोबुद्धि अहंकार चित्ताणि नाही न च स्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, और लास्ट में कहते हैं चिदानंद रूपं शिवोऽहं शिवः। उसमें देखिए ना, जो मैं शिव हूँ वहां हूँ का बोध जो है वो बंद हो जाता है, प्रोफेसर शंभु जी, मुझे लगता है आज चलिए ठीक है, यदि किसी की कोई अभी भी कोई संक्षिप्त से कोई टिप्पणी, कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा है तो हम उसको टेकअप कर सकते हैं। अखिलेश्वर जी या कोई और किसी की कोई है तो फिर हम समापन की ओर अग्रसर होंगे। ओके, चलिए अमित कुमार जी, जी क्या कहना चाहते, अमित जी आपने हाथ खड़ा किया है, अपने को अनम्यूट कर लीजिए।
चलिए अब मैं, मुझे लगता है कि आरपी शर्मा जी नहीं जुड़ पाए, राजेंद्र जी अभी तो वो थे हमारे साथ लेकिन मुझे लगता है कि बीच में रह गए, डिस्कनेक्ट हो गए। तो मैं अब आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर अक्षय मिश्रा जी को, जो कि अध्यक्ष हैं डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, संस्कृत विभाग, डीएवी कॉलेज ननिवाला से, सारी परिचर्चा के कन्वीनर हैं। उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि वो सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें। आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल स्पष्ट है। तो ये आज बहुत सौभाग्य का दिन है कि हम जिस परंपरा में हम सारे जो पढ़ रहे हैं, खास करके जो हमारे भारतवर्ष में एक इतने बड़े विशिष्ट आचार्य है जिनके आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने ये कार्यक्रम रखा, और समग्र भारतवर्ष में, समग्र भारतवर्ष से जो है ना प्रतिभागी आए, तो सभी प्रतिभागियों का हम तहदिल से सबके साधुवाद करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले जो एक विषय सर जी ने बताया हमारे आचार्य, आजकल ऐसे आचार्य रहे नहीं है कि ऐसे हमारे इन विषयों को उनके उन कुछ विषयों में समानता ला करके उन विषयों को प्रस्तुत कर सकें। तो सर आपका हम बहुत बहुत आभारी हैं, आप समय समय पर आते हैं और सभी हमारे भारतवर्ष के तथा बाहर के भी विद्वानों का जो है ना उनका मार्गदर्शन करते हैं, और उनको जो हमारे विषय अनवगत है जिनके विषयों के ऊपर, उस विषय के ऊपर आप हमें अवगत कराते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हम एसडी कॉलेज तथा अन्य सभी सहभागियों की तरफ से, अन्य सभी आयोजकों की तरफ से आपका हम धन्यवाद करते हैं। और आपने कैसे जो बाद में उन्होंने प्रश्न किया, जैसे सुनील मिश्र जी ने प्रश्न किया काशी से, उन्होंने जगन में क्या वो तात्कालिक है या वर्तमान भी कैसे वो लागू होता है, तो उसको कैसे बहुत अच्छे ढंग से उसको समझाया, फिर मैम बिना अग्रवाल जी ने ढंग से समझाया और बताया, उसके बाद आनंद जी ने पूछा उनको भी बताया, आपने सवाल का बहुत अच्छे तरह समाधान किया, फिर डॉक्टर निहार जी, फिर डॉक्टर निहार जी ने कुछ सजेशन दिया, अविनाश श्रीवास्तव जी ने बहुत अच्छे तरह, वो बुद्धिस्ट फिलोसफी से है, उन्होंने भी अपने मतामत प्रस्तुत किया, और जो बाहर से आए हुए हैं बहुत सारे, राजेंद्र प्रसाद जी वो बाद में हमारे से जुड़ नहीं पाए शायद, और प्रोफेसर दुबे जी, और ये प्रोफेसर शंभू जी जो निदेशक है ये जुड़ नहीं पाए बाद में, और सबसे पहले जो डॉक्टर आशुतोष जी बता रहे थे, प्राचार्य आशीष पांडे जी, और बाकी जितने भी सहभागी है, प्रोफेसर सरोज जी जिनका नाम मैं नहीं ले पाया, तो सभी का हम तहदिल से धन्यवाद करते हैं। आप सब इसी प्रकार से कार्यक्रम में जुड़े रहेंगे तो ऐसे ज्ञान की परंपरा को आगे हम बढ़ाते रह पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, डॉक्टर धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर अक्षय जी। आज के इस कार्यक्रम को पूर्णता की ओर अग्रसर विसर्जित करने से पूर्व एक दो सूचनाएं जरूर देना चाहूंगा। राजेंद्र जी अब जुड़े हैं तो जरूर अपनी बात हमारे साथ साझा करें, यदि किसी ने फॉर्म नहीं भरा है वो आप फॉर्म प्लीज भर सकते हैं, उसमें हमने शेयर किया हुआ है लिंक चैट बॉक्स में। और दूसरा, निकट भविष्य में कुछ एक और आयोजन है, और आप में से जो भी सोशियोलॉजी के अगर कोई लोग हों तो जरूर मेरे से संपर्क करें, क्योंकि वर्तमान शताब्दी और कली वर्णन इसको लेकर के हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से उसका विश्लेषण करना चाहते हैं, लगभग अगले हफ्ते के अंत में उसको हम टेकअप करेंगे। उसके साथ जो इंडियन साइंसेस हैं उनके ऊपर भी हमारा एक वेबिनार ड्यू है बहुत जल्दी ही, और हो सकता है वो भी नेक्स्ट वीक में हो जाए। और उसके साथ साथ एक क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर कार्यशाला हम आयोजित करने जा रहे हैं, लगभग समय तो इतना ही रहेगा 2 घंटे का, लेकिन भारतीय परंपरा में जो क्रिटिकल थिंकिंग का एक मॉडल रहा है वो क्या रहा है, और इस तरह के कई सारे विषय हैं जो हम बहुत जल्दी टेकअप करेंगे। आप सब लोग का सहयोग उसमें चाहिए, इसी तरह से हम जुड़े और अपनी परंपरा को जो है उसका उन्मीलन करते रहें, बार बार उसमें
जो उसके ऊपर परत झड़ पड़ जाती है हमारी बुद्धि पे भी और परंपरा पे भी, तो उसको हम झाड़ते रहें, संस्कार करते रहें और हम अग्रसर रहें। राजेंद्र जी सर। हाँ, सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूँ, बीच में कई बार मैं बोलना चाह रहा था। आज प्रोफेसर आंगिरस जी ने हमारे सामने जो बातें रखी वो बातें हमें शंकर वेदांत को समझने के लिए बहुत एक नई दृष्टि देती हैं, क्योंकि शंकर वेदांत को समझने में बड़े बड़े जो दार्शनिक रहे वो भी विचलित रहे कि उनको लगा कि भाई सौंदर्य लिखने वाला कोई और कोई है। और जीवन में जो उतारता है वही जो है असली रहस्य को समझता है और उन रहस्यों को इनका बहुत आभारी हूं। इसी के साथ में सबको प्रणाम करके अपनी बात पूरी करता हूं। ओम ओम ओम, बड़े दिनों के बाद दर्शन हो गया जय राजेंद्र शर्मा। हाँ सर, सर तो आप हमारे हुए आपके सर, तो आपने सर जो बताया बहुत ही। चलिए धन्यवाद सर। और आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, आप लोग जुड़े। और अगर आप लोगों का कोई अन्य विषय भी है तो कृपया मुझे जरूर सूचित करें, क्योंकि बहुत सारे व्यापक आयाम हैं जो संस्कृत को लेकर के हम टेकअप करना चाहते हैं। संजय अवस्थी जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। जी प्रणाम सर। नमस्कार, धन्यवाद आपको सर। सर अभी मेरे मन में एक जिज्ञासा हुई कि जैसे यह छात्र पढ़ने से घबराते हैं, तो ऐसे कुछ मतलब आकर्षण रोचक तथ्य जो है बताने की, हालांकि यह विषय हट करके है थोड़ा सा, लेकिन अगर कुछ ऐसे तथ्य आ जाए जिनसे छात्रों के प्रति जो है तो उत्साह वर्धित हो, या संगोष्ठियों का आयोजन छात्रों के बीच में हो सके। मैं ही देखूंगा। आप मेरे से संपर्क करें, जरूर हम इस विषय को बहुत बार आगे भी ले चुके हैं। और मैंने एक सेकंड बात पूरी कर लूं कि देखिए, तीन दृष्टियों से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ये जो वेबिनार है उसी का पार्ट जी जी, कि संस्कृत की एप्लीकेशन क्या है, यूटिलिटी क्या है और रेलेवेंस क्या है। इन तीन पक्षों से हम हमारा ये प्रयास रहा है, तो इसलिए बहुत सारे जो विषय हैं वो मैं आपके साथ साझा कर सकता हूँ और फिर हम इसको टेकअप कर सकते हैं किसी भी सेमिनार में, कि संस्कृत को रुचिकर और ये अप्लाइड बनाने में क्या क्या हमें करना अपेक्षित है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आप कुछ कह रहे थे रमाकांत जी। मैंने कहा कि अब मैं थोड़ा जी दूसरी तरफ भी करना है ना अपना तैयारी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे को हम समाप्ति कर रहे हैं इस सारे विषय को, पूर्ण समाप्ति की ओर ही अग्रसर कर रहे हैं। और मैं आप सब लोगों का, जिनका मैं नाम नहीं बीच में ले पाया हूं, और मेरे सभी साथी डॉक्टर रेणुका जी, डॉक्टर नयनदीप जी और जितने भी मेरे साथी हैं जो सारे आयोजन में जुड़े रहे, जिनका सहयोग रहा है, मैं उन सब के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि समय समय पर उनके सहयोग से हम इन कार्यक्रमों को आयोजित कर पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव कहीं दूरगामी और गहरे से होगा, इस उम्मीद के साथ कि संस्कृत की पुनः प्रतिष्ठा होगी, सुप्रतिष्ठित होगी, और इसी के आधार पर हम देश की नई पॉलिसीज और नए जो कार्यक्रम हैं वो आयोजित कर सकेंगे। इसी अपेक्षा के साथ आप सबका पुनः आभार, धन्यवाद। और आप लोग जिस भी विषय के हों कृपया मुझे जरूर सूचित करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनको हम टेकअप करना चाहते हैं। तो आप लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं अब, और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा प्लीज फॉर्म भर दीजिएगा, लिंक उसमें डाल दिया हुआ है, तो यू कैन शेयर।
थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत आभार, आप लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं। ठीक है, आप सभी को सादर नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर ब्रजेश जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर जी, मैडम पूर्वी जी, जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप छोड़ सकते हैं मीटिंग, छोड़ सकते हैं आप सारे। विनोम जी, मैडम पूर्वी गर्ग आप कुछ कहना चाह रही हैं, कुछ जानना है पूछना है? चलिए, सो थैंक यू एवरीवन, यू कैन लीव द मीटिंग। उदय कुलकर्णी जी, डॉक्टर रविंद्र जी, थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव जी, धन्यवाद। डॉक्टर राजवीर जी, थैंक यू। राजवीर कौशिक जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। मैडम चंचल जी, राजवीर जी, राजेश सिंह जी, थैंक यू एवरीवन। पूर्वी जी, आशीष जी, आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो बताएं, अपने को अनम्यूट करके। अपने को अनम्यूट कर लीजिए। प्लीज फॉर्म भर के आप छोड़ दीजिएगा, मीटिंग छोड़ दीजिए। मैडम मीनाक्षी, आप इसको ऑफ कर सकते हैं मीटिंग को। Thank you.